नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। वडोदरा शहर में ट्रैफिक की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। ट्रैफिक की समस्या की निजात के लिए कई रास्ते भी निकाले जा रहे हैं। वैसे ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के आशय से सरदार एस्टेट से लेकर वृंदावन चौराहे तक ओवरब्रिज बनाने का फैसला लिया गया था। इस मामले को स्थायी समिति में पेश किया गया और फिर दरखास्त को मंजूरी दी गई थी, लेकिन अभी तक ये ब्रिज तैयार नहीं हुआ है। ऐसे में अब स्थायी समिति ने एक और दरखास्त रखी गई है। दरअसल जो नई दरखास्त है उसके मुताबिक सरदार एस्टेट से वृंदावन चौराहे तक दो ब्रिज का निर्माण हो, ऐसी मांग रखी जा रही है, जिसके चलते अब इस पूरे मामले पर विवाद खड़ा हो रहा है। हालांकि स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर जितेंद्र पटेल ने इस मामले में चौकस जे प्रमाणे राज्य सरकार ने केंद्र सरकार ने ग्रांट में थी वडोदरा शहर कॉर्पोरेशन ने पोता पन ग्रांट एम थोड़ो घो उमेरो करीने जे प्रकारे आखे शहर में वर्षों पहला अने हाल में ब्रिजों की स्थिति में उपलब्धता करावी है। एनी साथे साथे केटलाक विस्तार में नवीन ब्रिजनु पन आयोजन है। एम भूतकाल में क्यांक आपना ज माध्यम थी अमे वात मूकी थी वृंदावन चार रस्ता और सरदार एस्टेट चार रस्ता जे छ ब्रिज बनवाना था ये पैकीना आ बे ब्रिज ने पन बनावा माटेनी दरखास्त जे पहला जुदा जुदा हता एने सड़ंग बनावानी दरखास्त आवी हती, जेमा खर्च वधवानी वात हती अने खर्च वधवानी साथे जे सरकारनी एक पॉलिसी छे ये पॉलिसी ने आधारे जे आपने प्राप्त थनार नाना हता एमा क्यांक ने क्यांक आपने एमा पोताना खर्चना नाना पन उमेरवानो विषय वधतो हतो, ए ध्याने राखीने एक निर्णय करवानी दिशा में जे हजू शुक्रवार एटले आवतीकालनी स्थायी समिति में आना उपर विस्तृत चर्चा करीने जे पन निर्णय करवानो हशे ए आपना माध्यमथी ज फरी ए जणावीशुं। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान, बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।